दारुसलाम में हफ्ते के रोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू मीडियम की तालिबात में स्कूल बैग्स, लॉन्ग बुक्स और गाइड्स की तकसीम अमल में लाई गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में हफ्ते के रोज़ उर्दू मीडियम स्कूल के तालिबात में स्कूल बैग्स, लॉन्ग नोट बुक्स और गाइड्स की तकसीम अमल में लाई गई। हर साल की तरह इस साल भी स्कूली तालिबात में तालीमी इमदाद की तकसीम पर तालिबात ने खुशी का इजहार किया। फखर मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एक नारा दिया था। सबसे पहला नारा यह था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया करने का मकसद है तो कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म मुत्तहिद करना। तो दूसरा नारा यह था कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करना। तीसरा नारा था तो कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शना। और आखिर में जो नारा था वो ये था कि मजलिस सियासत में हिस्सा लेगी, जिद्दोजहद के जरिए मरकज सियासी पर मुसलमानों को जमा कर कर उनके तालीमी, माशी और दूसरे मसाइल को हल करेगी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये काम किया अपने अहिया के वक्त। तो फखरे मिल्लत अलैह रहमा की खबर को अल्लाह नूर से भर रहे कि उन्होंने ही आज रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में मुसलमानों को तहफ्फुज़ात अगर हासिल है तो फखरे मिल्लत अलैह रहमा ने उस दौर में सत्तर के दहे से पहले मुसलमानों को तहफ्फुज़ात का मुतालबा किया था। और कमीशन से नुमाइंदगी